ओके 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 भाई, वो ओपन में आ रहा है। मेरी क्रिसमस। तो और मेरे भाइयों क्या हाल चाल है यार? अब तुम्हारे हाल चाल औसम होंगे, बट यार तुम्हारे भाई को नींद आ रही है यार, बहुत ज्यादा नींद आ रही है, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो। फिलहाल जो भी हो, बात करते हैं इस गेम प्ले की। तो यार देखो, तुम लोग ने जैसा कि मेरे को कहा कि कोरियन वर्जन खेलो, तो हम वही खेल रहे थे। और हमारे साथ एक टीम मेट था जो कि सबको क्रिसमस की सेलिब्रेशन दे रहा था, आई डोंट नो इतनी जल्दी क्यों। फिलहाल जो भी हो, यहाँ पर मेरे को गन मिली थी, लेकिन मेरे टीम मेट को पहले मेरे से गन मिल गई क्योंकि मैं अंदर नहीं कूद पा रहा था, और उसने एक किल निकाल दिया। लेकिन मेरे को ऊपर एक बंदा दिखा, अब ये कुछ ज़्यादा ही कन्फ्यूज लौंडा था। फिलहाल जो भी हो, उसको पता नहीं था कि ऊपर जाए कि नीचे जाए, और मैंने आराम से ठोक दिया। अब M4 के बारे में सिर्फ एक ही बात है जो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, वो है उसका सप्रेस्ड साउंड। भाई इतनी घटिया सुनाई देती है, साथ ही साथ कंट्रोल से बाहर ही निकल जाती है सप्रेस लगा के। मतलब मैं तो अगर 6x M4 चलाता हूँ और मेरे पास कॉम्पेंसेटर फ्लैश हेडर नहीं है, तो मैं सप्रेसर भी नहीं लगाता, क्योंकि उसकी वजह से पता नहीं क्यों रिकॉल ज़्यादा लगने लगता है। फिलहाल जो भी, यहाँ पर टाइम नहीं था सप्रेसर हटाने का, क्योंकि नीचे एक बंदा बैठा हुआ था। अब ये भालू कतई घात लगा के बैठा था TPP लेके, कोई आएगा और ये उसको मार के उसको लूट लेगा, लेकिन उससे पहले मैंने इसको ठोक दिया। कवर में पड़ी भाई, पूरी कवर में, ऊपर वाले फ्लोर पर ही है वो। अब इसने मेरे टीममेट को नॉक करा था, तो मैंने उसको ठोक दिया, और इसकी वजह से मेरा टीममेट तो बच गया था। लेकिन मेरे को पता था कि साइड वाले घर में काफ़ी बंदे हैं और मेरे को उनको ठोकना पड़ेगा किसी भी हालत में, जल्द से जल्द, वरना अगर उन्होंने पुश कर दिया तो ना वो मेरे टीममेट को छोड़ेंगे, ना ही तुम्हारे प्यारे दुलारे जी गुरु जी को। अब यहाँ पर मैं रश करने आया था और मेरे को ऊपर से साउंड आया, अब यहाँ पर सबसे पहले से मैंने एक नॉको को इन्फॉर्म करा, फिर इस बंदे को भी ठोक दिया। उसके बाद हम लोग और बंदों को ढूंढने के लिए पीछे आए, और एक बंदा यहाँ पर मेरे को छुपा हुआ दिखा था जिसको मैंने पहले ही डैमेज दे लिया था, और ये गुम हो गया था, लेकिन फिर मैंने इसको ढूंढ के फिनिश कर दिया। लेकिन तभी सेटेलाइट के पीछे से फायर हुआ, और हम लोग समझ गए कि बाकी बचे हुए बंदे इधर ही छुप रहे हैं। अब यहाँ पर मैंने इसको ठोक दिया, और फाइनली मिलिट्री बेस ऑलरेडी खाली हो चुका था। तो अब देखो, तुम लोग एक क्वेश्चन मेरे से पूछते हो जिसका मेरे ख्याल से आंसर मेरे को दे देना चाहिए, और वो क्वेश्चन ये है कि जब से मैं KR वर्जन का गेम प्ले डाला हूँ, तुम लोग कंफ्यूज रहते हो कि ये मेरा गेम प्ले है या फिर किसी और का, क्योंकि यहाँ पर जो है मेरा पुराना नाम नहीं है जो कि फार ऑफ है, बल्कि यहाँ पर द डीको लिखा हुआ है। तो भाई देखो, इसके पीछे रीज़न सिंपल सा है कि बात बताऊँगा। अब पता नहीं तुमने नोटिस किया कि नहीं, बट यहाँ पर हमारे साथ बहुत ही बड़ा छल किया गया। हुआ ये कि दो बंदे रोड के उस पार घास पे प्रोन थे, और दो बंदे गाड़ी से आए हमको यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट करने, और जब हम इनको मार रहे थे पीछे से घास में जो लेटे हुए थे, उन्होंने मेरे को भजा दिया। फिलहाल मेरे टीममेट ने यहाँ पर 1v3 कर दिया, मैंने एक बंदे को ठोक दिया था, तो यहाँ पर किसी तरीके से हम लोग बच गए, लेकिन मेरे को लगा नहीं था कि मैं इधर बच पाऊंगा। अब बात करते हैं कि मैंने नाम क्यों चेंज करा, तो भाई नाम चेंज नहीं करा, मेरे को नाम मिला नहीं। मतलब फॉर ऑफ का मैंने कई सारे वर्जन ट्राई करे, बट ऑलरेडी हर नाम ले चुके थे लोग, तो यहाँ पर मेरे लिए ऑप्शन था यही कि मैं या तो कुछ अजीब गरीब नाम रख लूँ फॉर ऑफ के आगे जोड़ के, या फिर कुछ अलग ही नाम रख लूँ। तो मेरे को पता था कि ज़्यादा दिन तो अपने को ये खेलना नहीं है या अलग वर्जन, तो इस वजह से मैंने इसका नाम फिलहाल ले डी को रख लिया, जो कि मेरा वैलोरेंट का नाम है। फिलहाल जो भी हो, यहाँ पर मैंने सारे बॉट्स और बंदों को ख़त्म कर दिया था। उसके बाद हम लोग जा रहे थे पोचिंग की, तभी बीच में हमको बंदे मिल गए, और ये बंदे खतरनाक थे, क्योंकि अभी अभी इन्होंने किसी पूरी स्क्वाड को गाड़ी फोड़ के खत्म करा था। लेकिन हम भी ग्लोबल वर्जन के खिलाड़ी हैं, पीछे नहीं हटेंगे। तो दो मैंने नॉक कर दिए, मेरे को पता था कि इनका एक और होगा क्योंकि ये दोनों नॉक हुए थे। अब मेरा स्नाइप सही था, बट वो सही टाइम पे मूव कर गया। अब मैं इसको 3 गोली मार चुका था, और ये चौथी गोली पे भी नहीं मरा, लेकिन फाइनली मैंने उसको मार दिया। यार मेरे को ऐसा लगता है कि जो कोरियन वर्जन है ना, उसमें हेल्थ ज़्यादा होती है लोगों की, क्योंकि यार मतलब अगर नॉर्मल वर्जन जो होता था हमारा ग्लोबल, उसमें 4 गोली में बंदा खत्म हो जाता था हर हालत में, लेकिन इसमें यार लगती हैं 5-6 गोलियाँ। फिलहाल जो भी हो, यहाँ पर देखो, अब हुआ ये कि गेम का एंड फेज आ गया था, और हमारे टीममेट यहाँ घास के मैदानों में ठोक दिए गए थे। भाई दोनों पहले तो खूब किल ले रहे थे, लेकिन जैसे ही मरे तो दोनों गेम एग्जिट कर गए। मतलब ग्लोबल वर्जन और कोरियन वर्जन कोई डिफरेंस नहीं है,
लोग दूसरे रेस्पेक्टेट नहीं करते, एग्जिट कर ही देते हैं जैसे कि मैं भी कर देता हूँ। फिलहाल वो लोग यहाँ पर मारे गए थे तो हम लोग यहाँ पर उनका बदला लेने नहीं, असल में किल लेने आए थे, क्योंकि अगर वो यहाँ पर मारे गए तो इसका सीधा सा मतलब है उनको मारने वाले भी यहाँ पर होंगे। अब यहाँ पर मैं आया तो मैंने फायर करा, एक रैंडम फायर करा ताकि सुन के कोई प्रोवोक हो और मेरे ऊपर फायर करे, लेकिन एक गाड़ी आई। भाई साहब ये स्क्वाड अलग ही दिमाग लगा रही थी, क्योंकि एक बंदा गाड़ी से आया मेरे को डिस्ट्रैक्ट करने, दूसरा एक बिल्कुल ही अलग एंगल से आया मेरे को अनचत्ता पकड़ने, और तीसरा गाड़ी के पीछे से आया पैदल, लेकिन सबको ठोक दिया, और आखिरी बंदा भाई बॉट। मतलब लीग कुछ जल्दी करनी पड़ेगी, और कहते ईजी चिकन डिनर। अब आगे गेम प्ले है, उसका मजा लो। ओके भाई वो ओपन में आ रहा है। दस कर नेट इजी पड़ेगा। Thank you.